गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है और आज का व्लॉग मैं 2:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आपको बताया ही है, मैंने 2-3 बार व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मुझे कल एक शादी अटेंड करनी है, तो उसके लिए मैं और शिवानी कल जाके पार्लर में पूछ के आए। तो आज का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने ले रखा है 2:30 बजे का। वैसे तो शिवानी का मन था शाम को जाने का कि हम लोग शाम को जाएँ, क्योंकि शाम को मौसम ठंडा हो जाता है, अभी धूप काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो फिलहाल मैं कल गई थी पूछने के लिए, तो शाम को उनके पास पार्लर बुक था, अपॉइंटमेंट था किसी और का, खाली नहीं था। तो दोपहर में उन्होंने हमें बुलाया, तो अभी मैं और शिवानी जा रहे हैं रेडी होके। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, खाना भी खाकर आ गई हूँ, अभी बस थोड़ी देर में निकलेंगे। शिवानी खाना खा रही है, खाना खा के वो भी रेडी हो जाएगी, तो फिर हम दोनों निकल जाएंगे। और धूप तो बहुत ज़्यादा है बाहर, तो धूप से बचने के लिए फिलहाल हम लोग एक दुपट्टा लेके जाएंगे और उससे अपना फेस अच्छे से कवर करके जाएंगे। तो फिलहाल चलिए अभी चलती हूँ नीचे और देखती हूँ कि शिवानी क्या कर रही है, खाना खाया कि नहीं खाया, रेडी हुई कि नहीं हुई, तो उसको लेके फिर फटाफट हम लोग निकलते हैं पार्लर के लिए। और पार्लर से आने के बाद आपको दिखाती हूँ कि अभी कैसा लग रहा है फेस, और पार्लर में इतने पैसे खर्च करने के बाद फिर कैसा लगेगा, कुछ फ़र्क दिखता है या नहीं दिखता है, हम लोग खाली बस ऐसे ही जाते हैं। तो अभी पार्लर भी जाएंगे और शायद बाहर शिवानी को भी कुछ सामान खरीदना है कॉस्मेटिक्स वगैरह का, तो कॉस्मेटिक्स में भी जाएंगे। तो चलिए अभी देर नहीं करते, फिलहाल नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या कर रही है वो। हम लोग बिल्कुल डाकू जैसे लग रहे हैं, दो डाकू। तो फिलहाल हम लोग तड़कती भड़कती धूप में निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग कॉस्मेटिक शॉप पे। थोड़ा शिवानी को कॉस्मेटिक्स लेना है, थोड़ा मुझे भी लेना है, चूड़ियाँ वगैरह देखनी है, बिंदियाँ लेनी देख बिंदियाँ चूड़ियाँ और कलर्स वगैरह का देखना है। तो फिलहाल अभी हम लोग कॉस्मेटिक लेने निकल रहे हैं और ये तो हम सोच के जा रहे हैं। शॉप पर जाने के बाद ना वहाँ पर बहुत सारे आइटम याद आ जाते हैं, बहुत चीज़ें पसंद आ जाती हैं, फिर हो जाता है फिलहाल अभी हम लोग पार्लर में आ गए हैं। बाहर इतनी कड़ी धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है, हम लोग आंटी के यहाँ पार्लर में अंदर आए तो लगा एसी था, ठंडा ठंडा लगा, जन्नत में आ गए हो जैसे, इतना रिलैक्स लगा, इतना सुकून लगा कि अभी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। तो फिलहाल अभी हम लोग आए तो सब खाली था, बस एक दीदी बैठी थी, उन्हीं का फेशियल वगैरह चल रहा था। तो अभी पहले मैंने शिवानी को बिठा दिया है क्योंकि घर पे अभी को छोड़ के आए हैं, कहीं रोने लगा तो शिवानी को जाना पड़ेगा, तो पहले मैंने शिवानी को बिठा दिया है। तो शिवानी का अभी फेशियल वगैरह चल रहा है, शिवानी का हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरा स्टार्ट होगा। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर में मेरा भी फेशियल स्टार्ट होने वाला है, फिर मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी और आँखें खोल के देख भी नहीं पाऊँगी और आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी, तो जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगी शिवानी का भी फेशियल कैसे हो रहा है और मेरा भी कैसे हो रहा है, दोनों दिखाऊँगी। तो अभी आप ये पूछें इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग कौन से पार्लर में हैं और कहाँ के पार्लर में हैं। तो मैं हमारे घर के पास में ही भाभा नगर में वैष्णवी पार्लर है, तो हम लोग वैष्णवी पार्लर में ही आते हैं। हमें यहाँ का आंटी जी का काम बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल आँख बंद करके बैठ जाते हैं और सब कुछ बेस्ट मिलता है, कभी कोई शिकायत नहीं होती। तो हम लोग काफ़ी समय से यहीं पार्लर आते हैं, जो भी कराना होता है यहीं पे कराते हैं। अगर हम लोग बाहर कहीं चले जाते हैं, मैं पुणे चली जाती हूँ, मेरठ चली जाती हूँ, तो 6 महीने हो जाए, 7 महीने हो जाए, मैं यहीं से करा के थ्रेडिंग हो या वैक्स या फेशियल यहीं से करा के जाती हूँ और वापस मैं यहीं पर ही कराती हूँ जब भी लौट के आती हूँ छुट्टियों में।
तो फिलहाल अभी हम लोग वैष्णवी पार्लर में बैठे हुए हैं। अब हम लोग आ गए हैं घर, शाम का बजने वाला है 7। हम लोग यहाँ से घर से 4 बजे गए थे, 4 नहीं सॉरी, हम लोग घर से 3:30 बजे गए थे। करीब 1.5 घंटा में कॉस्मेटिक की शॉप पे लग गया, क्योंकि 2-3 दुकानें देखनी पड़ी। शिवानी को जो सामान लेना था एक 2 शॉप पे नहीं मिला, तो हमें 2-3 शॉप पे जाना पड़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि कल ही हमें शादी में जाना है। तो शॉप पे काफ़ी टाइम लगा, उसके बाद फिर हम लोग पार्लर गए। तो पार्लर में भी मेरे से पहले जब हम पहुँचे तो एक दीदी का फेशियल चल रहा था, उनके जाने के बाद फिर मैं और शिवानी बैठे, तो फिर हमारा फेशियल और वैक्स वगैरह जो भी होना था तो हुआ। तो हमने भी फेशियल कराया, वैक्स कराया और थ्रेडिंग कराई, बस इतना ही मैंने कराया, इतना ही शिवानी ने कराया। तो फिलहाल अभी हम लोग घर आ चुके हैं, और मम्मी जो हैं निक्षु के साथ अभी जहाँ पे कल हमें शादी में जाना है, मम्मी अभी वहाँ चली गई हैं, कुछ प्रोग्राम है शायद मेहंदी वगैरह का आज, तो मम्मी चली गई हैं थोड़ी देर के लिए, रात में वापस आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम सुमित, शिवानी और घर के जो सभी लोग हैं, हम लोग कल शाम को निकलेंगे यहाँ से 5-6 बजे तक, और यहाँ से सीधा हम गेस्ट हाउस पहुँचेंगे घर से रेडी होके। तो फिलहाल चलिए आज का ब्लॉग हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और आज का ब्लॉग मेरा छोटा ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैंने कैच नहीं करी हैं, मैंने खास खास चीज़ें ही दिखाई हैं। बस छोटा सा ही ब्लॉग बनाया है कि आज हम पार्लर जाने वाले हैं, और अब तो पार्लर से होकर वापस भी आ गए। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।